नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की जो वैकेंसी आ चुकी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में काम होता है इनका, काफ़ी अच्छे इनके काम चलते हैं। यदि आप इसमें एलिजिबल रहते हैं तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें जरूर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा मौका ये आपके लिए होने वाला है। तो यदि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो। हम सभी पर नज़र बनाए हुए हैं और सबसे पहले आपके पास जॉब अपडेट्स लाना की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से इनका इंटरफेस रहता है। हम आपको जो भी जॉब अपडेट्स देते हैं स्टूडेंट, वो ऑथेंटिक देते हैं इनकी पर्सनल वेबसाइट पर जाकर। तो देखिए यहाँ पर आपको कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से कैरियर का पेज ओपन होता है। जो चीज़ मैं आपको लैपटॉप से बता रहा हूँ वही चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है नोटिफिकेशन नंबर, दिस रिक्वायरमेंट फॉर यंग एंड डायनेमिक प्रोफेशनल, क्लिक हियर। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इनकी पूरी PDF हम डाउनलोड यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए सभी कुछ मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। एक ये CPCU के अंडर में काम करती है, काफी बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग क्या करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि किस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर 6th नंबर की पोस्ट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सुपरवाइजर। देखिए सुपरवाइजर की भी है पोस्ट, और एक यहाँ पर आगे एक और जॉब बताने वाला हूँ जो इसी के लिए है, सुपरवाइजर के लिए है। दो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है आपको यहाँ पर, और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब यदि आपने किसी भी डिसिप्लिन से कोई भी ग्रेजुएशन किया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। 32 साल मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, पहले जो आपकी यहाँ पर हो गई। अब हम बात करते हैं हमारी सबसे बढ़िया वाली जॉब की जो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 9th नंबर पर सुपरवाइजर सोलर पावर सिस्टम S1 ग्रेड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो 13 है। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स इन्होंने रखी हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी कितना होने वाला है, तो 22,000 से 80,000 के बीच में आपकी सैलरी का रखा जाएगा, ठीक है ना। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका PF वगैरह, बेनिफिट एंड बक्स वगैरह सब आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट को 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, यदि आप इसमें एप्लीकेबल रहते हैं तो। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इनका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, किस तरीके से आपको सारा चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहाँ पर जो भी रिलैक्सेशन है OBC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 साल 5 साल 10 साल, और गवर्नमेंट इंडिया के का जो भी क्राइटेरिया होता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉम्पेंसेशन पैकेज की। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर है बेनिफिट्स, बेसिक पे, इसके अलावा सब कुछ आपको यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जिस हिसाब से इनके पास एप्लीकेशन आती है उस हिसाब से ये इनका पूरा क्राइटेरिया डिस्क्लोज करेंगे, चाहे वो एग्जाम ले सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, या डायरेक्ट आपसे स्क्रीनिंग भी यहाँ पर करा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनके पास आती है। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, या जो भी स्क्रीनिंग आपकी है वो यहाँ पर ले सकते हैं। अभी इन्होंने डिस्क्लोजमेंट नहीं किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइम पर टाइम मतलब डेली बेसिस पर आपको इनके करियर के ऑप्शन पर जाकर आपको इनका एडवर्टाइज विजिट करना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पर पता लग सके। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर बात आती है अदर कंडीशन की। तो देखिए ये सिंपल कंडीशन है कि आपका इंडिया के होना चाहिए, आपको ऑनलाइन मोड से ही आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन, कोई भी यहाँ पर चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। देखिए पैंडेमिक सिचुएशन के कारण यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, काफ़ी बढ़िया है, फ्री में होने वाला है, तो ज़रूर से आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने किसी PGCU के अंडर में कोई जॉब की हुई है या आपने ट्रेनिंग की हुई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है ना। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सभी आपको वन बाय वन एक एक चीज यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा। बट जिस जो बेनिफिट आपको था सभी चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और क्लोज हो जाएगा आपका 9 मार्च को। तो ये चीज आपको यहाँ पर देख रखना है क्योंकि फॉर अबव कॉस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सारी चीज आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पूरा समझ में आया। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स की अपडेट भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।